नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में दो ग्रह मंगल और बृहस्पति गुरु, अगर ये दो ग्रह ठीक नहीं है तो जीवन में अनेक समस्याएं आ सकती है, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जिनकी भी जन्म पत्री में ये दो ग्रह ठीक नहीं है, वैसे लोगों के ऊपर कर्ज हमेशा बना रहता है। कर्ज के चक्रव्यूह में से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है, कर्ज की साइकिल चलती ही रहती है। छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें कर्ज करना पड़ता है। समाज में, सोसाइटी में वैसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है। व्यापार में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं कर सकते, व्यापार को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। कोई ना कोई अड़चने वो व्यापार करते हैं, वो व्यापार में, बिजनेस में कोई ना कोई अड़चने आती ही रहती है। नौकरी में कोई ना कोई समस्याएं खड़ी रहती है उनके सामने, या तो जैसी चाहिए वैसी नौकरी मिलती ही नहीं है। अगर नौकरी मिल जाती है तो भी अनेक समस्याओं का सामना उन नौकरी में, सर्विस में करना पड़ता है। विवाह में भी कभी विलंब हो सकता है, मंगल और बृहस्पति गुरु ठीक नहीं होने की वजह से। अगर विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो भी दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्याएं अवश्य आती है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये दो ग्रह को आप घर बैठे कुछ छोटे छोटे उपाय करके कैसे संतुलित कर सकते हैं, दो तीन उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी उपाय कर सकते हो उतने उपाय आप करें, लाभ अवश्य होगा। वैसे तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए मैंने टाइटल में लिखा है, जो करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। पहले आपकी मेहनत, दूसरा आपका भाग्य, भाग्य का साथ, तीसरे आपके कर्म, और चौथे ग्रहों का सपोर्ट, ग्रहों का साथ, ग्रहों की शुभता और ग्रहों की प्रसन्नता। अगर ये चारों चीज मिल जाती है, आप भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ उपाय करने से, प्रयोग करने से कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। ऐसा चमत्कार कभी हुआ नहीं है, कभी होने वाला भी नहीं है। छोटे छोटे उपाय करके आप जो ग्रह बर्थ चार्ट में, जन्म पत्री में ठीक नहीं है, आप वो ग्रह को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, वो ग्रह की शुभता आप प्राप्त कर सकते हैं। वो ग्रह की वजह से जो समस्याएं, परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो उस समस्याओं को, परेशानियों को कम अवश्य कर सकते हैं। आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ऐसी जानकारी में रुचि है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल को छोड़ के नहीं रहेंगे। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति, मंगल और गुरु को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, घर बैठे कुछ छोटे छोटे उपाय करके कैसे बैलेंस कर सकते हैं, दो तीन उपाय आपको देता हूँ। जितने भी उपाय कर सकते हैं उतने उपाय करें। कम से कम तीन गुरुवार आप ये उपाय करें, तीन मंगलवार उपाय करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है,
उपाय लगातार चालू रखें, महीने में एक बार, महीने में दो बार, महीने में तीन बार, जितनी बार उपाय कर सकते हैं उपाय आप अवश्य करें। अनेक वीडियोस में आपके साथ मैंने एक बात शेयर की है कि कुछ ग्रहों को ठीक करने के लिए, कुछ ग्रहों की शुभता और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का आप दान करें, कुछ खास दिन पर, कुछ खास दिन पर कुछ चीज़ों का दान कर देते हैं आप, तो उनसे जुड़े जो ग्रह हैं वो ग्रह की शुभता और प्रसन्नता आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। वो ग्रह की वजह से जो समस्या आपके जीवन में आती है उस समस्या को कम अवश्य कर सकते हैं। दो तीन उपाय देता हूँ दोस्तों, जितने भी उपाय कर सकते हैं उतने उपाय आप करें। बुधवार की रात्रि को आपकी एक मुट्ठी जितनी चने की दाल लें, चने की दाल एक मुट्ठी लेनी है, कोई भी बर्तन में वो चने की दाल को रख दें, ऊपर एक चुटकी हल्दी छिड़क दें। उपाय कम से कम तीन गुरुवार करें दोस्तों, तीन गुरुवार उपाय आप करें। तीन गुरुवार के बाद देखें कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कोई रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उपाय आगे शुरू चालू रखें, उपाय बंद ना करें। उपाय छूट जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी बाहर गए हैं उपाय छूट गया कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उपाय सात्विक है और पवित्र है। एक मुट्ठी चने की दाल ली, ऊपर थोड़ी एक चुटकी जितनी हल्दी छिड़क दे, पानी में डुबो देनी है, चने की दाल को पानी में डुबो दे, मगर जो पानी आपने डाला है वो पानी में आप हल्दी अवश्य डालेंगे। बुधवार की रात्रि को इस पात्र को आपके सिर के पास रखकर सो जाए। सुबह में उठने के बाद, गुरुवार के दिन सुबह में उठने के बाद स्नान कर ले, फ्रेश हो जाए, स्नान कर ले, चने की दाल छान ले, जो पानी निकलता है वो पानी को कोई भी बड़े पेड़ के नीचे, आपके गार्डन में कोई भी बड़े पेड़ के नीचे जाके डाल दे, नाली में ना बहाए वे पानी को। अब इस चने की दाल गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाए, सुबह में ये प्रयोग कर लेंगे आप। पेपर डिश ले जाए छोटी, पीपल के पेड़ के पास जाकर पेपर डिश में वो चने की दाल रख दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करे पेड़ के नीचे खड़े रहकर, मगर दोपहर 12 बजे पहले आप ये उपाय कर लेंगे। ये उपाय आप लगातार करते जाइए। उपाय दूसरा, आलू ले आए बाजार में से, वैसे तो सभी के घरों में आलू रहता ही है, जमीन के अंदर जितनी भी चीज होती है, भूमि के अंदर जितनी भी चीज होती है वो सभी मंगल से संबंध रखती है, मंगल का पूरा प्रभाव रहता है वो चीज़ों के ऊपर, तो ये प्रयोग आप मंगलवार के दिन करेंगे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि इतने ही मंगलवार करें, इतने ही मंगलवार करें, महीने में एक बार, महीने में दो बार, दो महीने में एक बार, दो बार, जब भी आपको मौका मिले तब ये प्रयोग आप करते रहें। दो आलू लेने हैं आपको, आलू को उबाल लें, आलू उबल जाए, ठंडे हो जाए, ऊपर से छील के निकाल दें, एक आलू के चार टुकड़े करें। मंगलवार के दिन पूरे दिन में कभी भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं, एक आलू के चार टुकड़े करें, दो आलू लेने हैं, आठ टुकड़े हो जाएंगे। एक रोटी के ऊपर जो पकाए हुए आलू है, जो आलू का आपने उबाला है वो आलू रख दें, थोड़ी हल्दी छिड़क दे आलू के टुकड़े के ऊपर, ऊपर दूसरी रोटी ढक दे। अब ये रोटी आप गाय को खिलाए, गौशाला जाए, घर पे गाय नहीं आती आप गौशाला जाइए, घर से बाहर निकल के थोड़ा रास्ते पे जाए आगे,
कहीं भी गाय दिखाई दे या तो कोई भी गौवंश दिखाई दे, गाय है, बछड़ा है, सांड है, रोटी रख दे। ये उपाय आप कम से कम 8 मंगलवार तक करें। प्रॉपर्टी लेने में बेचने में अगर कोई समस्याएं आ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आपके बॉस आपको कोई समस्याएं पैदा कर रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बनाता है आपका बॉस, ये उपाय आप अवश्य करें। कर्ज में से बाहर निकलने के लिए ये उपाय आप अवश्य करें। उपाय तीसरा, गुरुवार के दिन आपके सामर्थ्य के अनुसार हल्दी के जो पैकेट आते हैं छोटे, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, वो पैकेट 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम जितनी भी ले सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार चने की दाल ले। ये दोनों चीज गुरुवार के दिन शिव मंदिर में जाके रखते, अगल बगल में कहीं मंदिर नहीं है कोई गरीब को दान करते, हो सके तब तक शिव मंदिर में जाके ये रखते दोनों चीज। दोस्तों एक जानकारी और दे दूँ, हल्दी गुरु से सीधा संबंध रखती है, मगर जमीन के अंदर, भूमि के अंदर होती है हल्दी, तो कुछ हद तक मंगल से भी हल्दी का संबंध है। हमारे सभी यहाँ मांगलिक कार्यों में, जितने भी हमारे मांगलिक काम होते हैं घर में, हल्दी अवश्य ली जाती है। सभी पूजा में हम हल्दी अवश्य लेते हैं, क्योंकि हल्दी मंगल से संबंध रखती है, बृहस्पति गुरु से संबंध रखती है, और माता लक्ष्मी को हल्दी अति प्रिय है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। छोटी फी पे करनी पड़ेगी आपको। कुछ भाई बहन की कमेंट आती है कि व्हाट्सएप नंबर हम आप बोलते हैं ठीक से समझ नहीं सकते, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आप मुझे मैसेज करके रख दें, रिप्लाई अवश्य करूँगा, जवाब अवश्य दूँगा। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान भी आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।